नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो बड़ी मीटिंग्स की, इनमें से एक मीटिंग इंटरनेशनल लेवल की है और दूसरी मीटिंग नेशनल लेवल की। एक बैठक में मोदी ने दुनिया से चर्चा की तो दूसरी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने देश के साथ चर्चा की। मोदी की इन दोनों मीटिंग्स के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास हैं। सबसे पहले उस मीटिंग की बात, जिसके लिए मोदी दिल्ली से अहमदाबाद गए और कम से कम चार बार ये कहा कि अद्भुत संयोग बना है। वो अद्भुत संयोग क्या है, नरेंद्र मोदी का अमृत प्रयोग क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। 70 का प्रधान, 75 का अनुष्ठान, मोदी के अमृत प्रयोग में अद्भुत संयोग हुआ। आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अद्भुत संयोग हुआ। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। प्रधानमंत्री ने आज शपथ उठाई है। बड़ी खबर अभी अभी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 15 सेकंड में अपने विरोधियों को जवाब दे दिया। सिर्फ 15 सेकंड में मोदी ने अपने सारे सियासी शत्रुओं को खामोश कर दिया। पहले नरेंद्र मोदी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में आंशिक लोकतंत्र है। मोदी को टारगेट करने के लिए भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान पर चोट की जा रही है। राजनीतिक मुख्य धारा से कटकर हाशिए पर जा चुके राहुल गांधी ऐसी हेडलाइनों को टैग करके लिखते हैं, इंडिया इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। राहुल की हां में हां और ना में ना मिलाने वाले कुछ दूसरे लोग इसी लाइन पर चलकर नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज गांधी के साबरमती आश्रम में पैदल चलकर कहा कि भारत में असली लोकतंत्र है और उसकी व्याख्या ये है, हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। एक चुटकी नमक से इतना बड़ा राजनीतिक संदेश दे देना, ये काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। कौन नमक हलाल है, कौन नमक हराम है, नरेंद्र मोदी ने इसकी पहचान बता दी है। जो देश में नमक का हक अदा करे वो नमक हलाल है, वफादार है, और देश का नमक खाकर देश से ही घात करे वो नमक हराम है, गद्दार है। हमारे यहाँ वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृतम, अर्थात हम दुख कष्ट क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। दुख कष्ट क्लेश और विनाश से अमरता की ओर प्रस्थान, नरेंद्र मोदी का संकल्प स्पष्ट है। उनको किस बात का कष्ट है, किस बात का क्लेश है, किस बात से दुख पहुंचा है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, उनको किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं। प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है। मैसेज जहां पहुंचना चाहिए पहुंच जाता है।
गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने ये बातें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से कही। 75 साल की आजादी, 75 साल का आधुनिक भारतीय लोकतंत्र, आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत और राष्ट्रपिता के आश्रम में नरेंद्र मोदी का संबोधन। 91 साल पहले बापू ने जिस रास्ते पर 386 किलोमीटर पैदल चलकर अंग्रेजों का काला नमक कानून तोड़ा था, मोदी ने उसी रास्ते पर दांडी मार्च का उद्घाटन किया। 81 लोगों का दल 386 किलोमीटर पैदल चलकर साबरमती आश्रम से अरब सागर के किनारे तक पहुंचेगा। इसी के साथ नरेंद्र मोदी के उस बड़े अभियान का आगाज हो गया है जिसे मोदी ने 2022 के लिए तैयार किया है। आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा, एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, यह महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, यह महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। नरेंद्र मोदी जिस वक्त दांडी मार्च को हरी झंडी दिखा रहे थे, राहुल गांधी इस पूरे अभियान को खारिज करने वाली नई स्क्रिप्ट लिख रहे थे। राहुल जो लिखते हैं, राहुल जो बोलते हैं, उससे खुद अपनी पार्टी का भी भला नहीं कर पाते। नरेंद्र मोदी ने आज 75 से ज्यादा स्वाधीनता सेनानियों को याद किया और भक्ति आंदोलन के जरिए आजादी की अलग जगाने वाले इतने ही संतों महात्माओं को श्रद्धांजलि दी। बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी गांधी और नेहरू की लीगेसी से चलते हैं। सच क्या है ये मोदी को सुनकर ही समझा जा सकता है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मिल जाएंगे जिनको आप जानते हैं, साथ ही यहाँ वो नाम भी आएंगे जिनके बारे में कभी बताया नहीं जाता। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हो, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अस्फाउल्ला खां, गुरुराम सिंह, टिटूस जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथ दर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने से 75 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी ने जो प्रयोग शुरू किया है, उसमें हर राज्य के, हर जिले के, हर ब्लॉक में, हर स्कूल, हर कॉलेज के छात्रों को टास्क दिया है। छात्रों के 75 ग्रुप आजादी के 75 आंदोलनों और देश के 75 नायकों के बारे में रिसर्च करेंगे। ऐसा हर जिले में होगा तो सोचिए कितना बड़ा काम होगा। आजादी के आंदोलन के बारे में नरेंद्र मोदी ऐसा डेटाबेस तैयार करना चाहते हैं जिसमें हर राज्य, हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिलेगा, पूरा देश उनके बारे में जान पाएगा। साथियों, हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन हैं, कितने ही संघर्ष हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। ये एक एक संग्राम, संघर्ष अपने आप में
भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं। एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन स्वभाव के सबूत है। ये संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रमाण है कि अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी, महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी, हल्दी घाटी की रणभूमि में थी, शिवाजी के उद्घोष में थी, वही शाश्वत चेतना, वही अदम्य शौर्य भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज ने आजादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था। साथियों, आजादी के आंदोलन की इस ज्योति को निरंतर जागृत करने का काम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में, हर क्षेत्र में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने, भगवतों ने निरंतर किया था। एक प्रकार से भक्ति आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन की पीठिका तैयार की थी। गांधी का साबरमती आश्रम आज जैसा दिखता है, उसे इस रूप में लाने वाले मोदी ही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इस आश्रम का कायाकल्प किया था। आज जब वो अमृत महोत्सव की शुरुआत करने साबरमती आश्रम पहुंचे, तो विजिटर बुक में एक स्पेशल मैसेज लिखा। साबरमती आश्रम में आकर पूज्य बापू की प्रेरणा से राष्ट्र निर्माण का संकल्प और मजबूत होता है। यहाँ के पवित्र वातावरण, यहाँ की स्मृतियों से जब हम एकाकार होते हैं, तो स्वाभाविक ही तप और त्याग की भावना बढ़ जाती है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का भी संदेश दिया था। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रारंभ के लिए, प्रेरणा के लिए इस पुण्य स्थली पर पुनः आकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कृतज्ञ देशवासियों द्वारा दी जा रही कार्यांजलि है। इस महोत्सव के दौरान देश अपनी स्वतंत्रता के आंदोलन के हर पड़ाव पर, हर अहम क्षण को तो याद करेगा ही, भविष्य निर्माण के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे भी बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के आशीर्वाद से हम भारतवासी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अमृत महोत्सव के उद्देश्य को अवश्य सिद्ध करेंगे। महात्मा गांधी इस देश के नायक हैं, नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, पटेल देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले नेता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोदी के आदर्श हैं, नरेंद्र मोदी के अमृत प्रयोग में सबका सम्मान होगा, समावेश उनका भी होगा जिनका अब तक कभी सम्मान नहीं मिला। इसी भूमि के वीर सपूत श्याम जी कृष्ण वर्मा अंग्रेजों की धरती पर रहकर उनकी नाक के नीचे जीवन की आखिरी सांस तक आजादी के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनकी अस्थियां 7 दशकों तक इंतजार करती रहीं कि कब उन्हें भारत माता की गोद नसीब होगी। आखिरकार 2003 में विदेश से श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां मैं अपने कंधे पर उठा करके ले आया था। ऐसे कितने ही सेनानी हैं, देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग हैं। देश के कोने कोने से कितने ही दलित, आदिवासी महिलाएं और युवा हैं जिन्होंने असंख्य तप और त्याग किए। याद करिए, तमिलनाडु के 32 वर्षीय नौजवान कोडिकात कुमरन, उनको याद कीजिए। अंग्रेजों ने उस नौजवान को सिर में गोली मार दी, लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के झंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया। मोदी की हर बात में राजनीति तलाशने वाले लोग तमिलनाडु के कोडिकात कुमरन का जिक्र होने में भी राजनीति तलाशेंगे। इसे चुनाव से जोड़कर देखेंगे। मोदी इसकी परवाह नहीं करते। वो अतीत का सम्मान करने वाले नेता हैं, लेकिन उनकी नजरें हमेशा भविष्य पर रहती हैं। इतिहास से प्रेरणा लेकर वो भविष्य निर्माण करने में यकीन रखते हैं। 2022 के आयोजन के पीछे बड़ी योजना 2047 की है, जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। तो कुछ तस्वीरें यहां
हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की आपने देखी। अब कुछ तस्वीरें आपको हम सीधे वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के बीच क्वाड की एक अहम बैठक चल रही है। दरअसल इन चार देशों के गठजोड़ को क्वाड कहा जाता है। ये तस्वीरें सीधे वॉशिंगटन डीसी से आई हैं और इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बगल में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी बैठी हुई हैं, वो मौजूद हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विषयों पर और गंभीर विषयों पर अपनी बातें कही हैं। कुछ बातें बंद कमरे के अंदर भी हुई हैं। जो बाइडेन ने यह कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से पर्सनली मिलना चाहते हैं और चीन को घेरने के लिए कैसे एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बने, इस पर इन चार देशों के सबसे शीर्ष नेताओं के बीच बात हो रही है। क्वाड को एक ऐसी फोर्स बनाने की तैयारी है जिसकी बदौलत ये चारों देश मिलकर चीन की चुनौती का सामना कर सकेंगे। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा और दशा बदलने वाली इस बैठक में और क्या क्या हो रहा है, इसके कितने बड़े मायने हैं, पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। ये 2021 की सबसे पावरफुल तस्वीर है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार एक फ्रेम में बाइडेन और मोदी का आना ग्लोबल स्टेज के लिए बहुत बड़ी खबर है। मोदी ने क्या कहा, बाइडेन क्या बोले, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री ने मोदी से कौन सी मदद मांगी, चीन के खिलाफ बने क्वाड वाले मोर्चे की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आपको सब बताएंगे। 2021 की सबसे बड़ी मीटिंग से दुनिया में कैसी हलचल मच गई है। चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर चीन को घेरने वाली हेडलाइंस के साथ ट्रेंड कर रही है। मोदी सेंटर स्टेज में है, क्वाड में भारत को मेन प्लेयर बताया जा रहा है और बाकी बचे तीन देशों को वाइल्ड कार्ड्स की श्रेणी में रखा जा रहा है। इंडिया वो करने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, इस हेडलाइन से सब कुछ साफ है। अमेरिका हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सबको मालूम है कि अगर चीन से निपटना है तो मोदी के साथ ही चलना होगा। अमेरिका में अगर इस बात पर बहस हो रही है कि चीन को हराने के लिए भारत में इन्वेस्ट करना ही होगा तो समझ लीजिए कुछ होने वाला है। और शुक्रवार को इसका इशारा दे दिया गया है। And I look forward to working closely with all of you in the coming years. Now, Prime Minister Modi, I'm kicking it over to you. And again, it's great to see you. President Biden, Prime Minister Morrison, and Prime Minister Suga. It is good to be among the friends. I thank President Biden for this initiative. Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. अगर अब भी कोई शक है तो चीन से आई ये खबर पढ़ लीजिए। एक तरफ शुक्रवार को क्वाड की मीटिंग हुई और दूसरी तरफ चीन में घबराहट पैदा हो गई। जिनपिंग ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रेडी होने का ऑर्डर दे दिया। चाइनीज घबराहट के सबूत चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी दिखाई दिए। इसने फर्स्ट क्वाड समिट के साथ एक कार्टून छापा, अमेरिका को फ्रंट सीट पर दिखाया, भारत को उसके पीछे बताया, ऑस्ट्रेलिया और जापान को दिखाया। मगर चीन ये भूल गया कि 2021 के वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करता है और इसलिए अमेरिका इंडिया को अपना क्रिटिकल पार्टनर मानता है। इस वक्त एक फ्रेम में चीन के चार दुश्मनों की एंट्री पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी डॉक्ट्रिन पर डिबेट्स हो रही हैं और चीन के टीवी स्टूडियो में मानो सन्नाटा पसरा है। सबसे पहले साधारण भाषा में समझिए कि शुक्रवार की मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था। मोदी के साथ बाइडेन, मॉरिसन और योशीहिदे सुगा ने रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर बात की। ये वो मुद्दे थे जो इन चारों देशों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं और इसमें एक नाम चीन का होने के संकेत
संकेत मिल रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, इस पर भी बात हुई। इसे लेकर स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। And we're renewing our commitment to ensure that our region is governed by international law, committed to upholding universal values and free from coercion. We've got a big agenda ahead of us, gentlemen, as you well know, but I'm optimistic about our prospects. The Quad is going to be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific. Make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. This is about four nations that have had a long term. क्वाड चार देशों के हितों से जुड़ा है जो काफी लंबे समय से चल रहा है। इंडो पैसिफिक वो जगह है जहां हम रहते हैं, यहां जापान रहता है, यहां इंडिया रहता है, अमेरिका का भी इस क्षेत्र में लंबे समय से प्रभाव रहा है। इसीलिए क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का एक जरिया है और इससे सारे देशों को फायदा होगा। ये हर लोकतांत्रिक देश के लिए फायदेमंद है। हम इस क्षेत्र में आसानी से व्यापार करना चाहते हैं। हम ये तय करना चाहते हैं कि ये सब कुछ शांति से हो सके, मूवमेंट की आजादी हो। हम चार देश लिबरल डेमोक्रेसी हैं। हम एक साथ आकर ये तय करना चाहते हैं कि इस रीजन में शांति और व्यवस्था बनी रहे। Coming together and ensuring that we're an anchor for peace and stability in the Indo-Pacific. मीटिंग का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कोरोना वैक्सीन। चीन की वैक्सीन कूटनीति का मुकाबला करने के लिए भारत की पहल पर क्वाड में एक काउंटर वैक्सीन कूटनीति की स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई और इस बात पर सहमति बनती दिख रही है कि अमेरिका में वैक्सीन डेवलप होगी, भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगी, जापान और अमेरिका उसे फाइनेंस करेंगे और ऑस्ट्रेलिया उसमें अपनी भागीदारी निभाएगा। कोरोना काल में भारत ने पूरी ताकत से दुनिया की मदद की और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी ये बात मानी। क्वाड की मीटिंग से पहले शुक्रवार को मोदी ने न्यू इंडिया की इसी ताकत का जिक्र किया था। 1.5 मिनट में देश और दुनिया तक मैसेज पहुंचाया कि भारत ने क्या किया और भारत क्या करने का दमखम रखता है। ध्यान से सुनिएगा। भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। हमने दुख किसी को नहीं दिया लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। गीता में मोदी जो एग्जांपल्स दे रहे हैं अब उसके कुछ सबूत देखिए। भारत अब तक दुनिया के 69 देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज चुका है। भारत ने वैक्सीन मैत्री के तौर पर 79 लाख से ज्यादा डोज कुछ देशों में फ्री में पहुंचाई है। 338 लाख से ज्यादा डोज कॉमर्शियल तौर पर दी गई है यानी बेची गई है, जबकि कोवैक्स के तहत 164 लाख से ज्यादा डोज भेजी गई है। आज हमने आपके लिए उन देशों की पूरी लिस्ट निकाली है, आप भी देखिए। मानवता की सेवा के लिए कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन कहाँ कहाँ पहुंची। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान,
मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, बहरीन, ब्राजील, मोरक्को, ओमान, इजिप्ट, अल्जीरिया, साउथ कोरिया, कुवैत, यूएई, अफगानिस्तान, बारबाडोस, डोमिनिका, मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, सऊदी अरब, यूक्रेन, कनाडा, माली, सूडान, यूके और बहामास समेत 69 देशों में 11 मार्च तक 585 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजी जा चुकी है। इसमें वो 1 लाख डोज भी शामिल है जो भारत ने यूनाइटेड नेशंस के हेल्थ वर्कर्स को भेजे हैं। भारत ग्लोबल वैक्सीन का 60% खुद तैयार करता है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को क्वांट की वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत भारत की पहले से मजबूत छवि को पूरी दुनिया में भरोसे वाला रिलायबल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बनाने पर बात बनी है। इससे भारत की वैक्सीन मैत्री को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्लोबल हेल्थ सप्लाई चेन में भारत की स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत होगी और दुनिया स्वीकार करेगी कि भारत बिना किसी भेदभाव के मुश्किल घड़ी में ग्लोबल हेल्थ की सुरक्षा में अपना योगदान देता है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि वैक्सीन के बहाने चीन की चालाकियों का जवाब दिया जा सके। चीन की वैक्सीन का अभी 25 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि चीन की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर बना हुआ है, जबकि इसके उलट मेड इन इंडिया वैक्सीन पर दुनिया को ना सिर्फ 100% भरोसा है बल्कि 69 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की डिलीवरी से साफ हो जाता है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत विश्व गुरु की भूमिका अदा कर रहा है। बात सिर्फ वैक्सीन के मुद्दे पर भारत को ताकत देने की नहीं है। क्वाड का एक अहम एजेंडा चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और समंदर वाली चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब देने का भी है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बंद कमरे में हुई बातचीत अक्सर सामने नहीं आती, सिर्फ बयान जारी कर दिए जाते हैं, मगर इस बार क्वाड के चारों देशों के तेवर से साफ है, चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया है। फॉरेन पॉलिसी नाम की मशहूर मैगजीन ने बाकायदा हेडलाइन दे दी है, अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जवाब क्वाड देगी, खुल कर देगी। अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्वाड के चारों देश मिलकर चीन को रेयर अर्थ कॉरपोरेशन की बदौलत मात देंगे। ये बहुत दिलचस्प है, इसे ध्यान से देखिए। क्वाड के चारों देश प्रोक्योरमेंट चेन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें चीन का दबदबा है। कहने का मतलब यह है कि स्मार्टफोन से लेकर हाई परफॉर्मेंस मोटर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक, लैपटॉप से लेकर मिसाइल गाइडिंग सिस्टम और लेजर तक, सब में चीनी घुसपैठ है। चीन इस वक्त दुनिया का 60% रेयर अर्थ खुद बनाता है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड इसका काउंटर करने का प्लान बना चुका है। नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के फंडिंग पर बात शुरू है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एजेंडे में है और सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई मीटिंग में मोदी के साथ साथ बाकी तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इशारा दे दिया है कि वो चीन के बनाए हुए रेयर अर्थ पर अपने देश की निर्भरता कम करेंगे और वो सारी चीजें खुद बनाएंगे। मोदी पिछले कई महीनों से लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मगर शुक्रवार को क्वाड की मीटिंग से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि अब चीन को काउंटर करने के लिए मोदी का आत्मनिर्भर मंत्र अमेरिका भी अपनाएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस मंत्र पर काम करेगा, क्योंकि जैसे ही चारों मुल्क आत्मनिर्भर बन जाएंगे, चीन खुद ब खुद भारत और क्वाड के बाकी देशों पर डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर चाहे बात वैक्सीन की हो या किसी और चीज की, चीन का खेल खत्म होने ही वाला है। अब बात बंगाल की, जहां समझिए कि खेला तो हो ही गया। कुछ देर पहले ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बाहर आई, एक मिनट में ममता बनर्जी की हजारों फोटो खींची गई और खबर है कि दीदी की पार्टी यही व्हीलचेयर वाली तस्वीरें पोस्टर बैनर होर्डिंग्स पर जगह जगह लगाएगी। 14 तारीख को दीदी व्हीलचेयर पर बैठकर ही मैनिफेस्टो रिलीज करने जाएंगी। जिस तस्वीर को बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, उसका पूरा पॉलिटिकल विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। 48 घंटे बाद SSKM अस्पताल से ये तस्वीर आई, जिसका सभी को इंतजार था। राहत की बात है कि दीदी ठीक हैं, व्हीलचेयर पर दीदी हैं, उन्हें बाहर ले जाया जा रहा है। पीछे भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, एक पैर में प्लास्टर है, दूसरे पैर में हवाई चप्पल। समर्थकों का शुक्रिया कर रही हैं जो इस घड़ी उनके लिए दुआ कर रहे थे। और छोटी सी कार के पास उनकी व्हीलचेयर रुकती है, दीदी को आगे की सीट पर बैठाया जाता है। अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, यहाँ से अपने घर कालीघाट चली गई।
ममता बनर्जी को SSKM अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अब ममता बनर्जी यहां से सीधे कालीघाट अपने घर की तरफ रवाना हो गई हैं। मेडिकल बुलेटिन इससे पहले बैठा और डॉक्टर्स ने कहा कि उनके एंकल में जो चोट लगी है उसमें थोड़ी बहुत जरूर रिकवरी हुई है और एक हफ्ते बाद दोबारा जाँच होगी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनको घर जाने दिया जाए, लिहाजा आज शाम को अब ममता बनर्जी को इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से दोबारा चुनावी मैदान में दिखेंगी। तमाम लोगों जो TMC के समर्थक है वो यहां पर मौजूद थे और जैसे ही ममता बनर्जी बाहर आई लोगों ने अभिवादन किया ममता बनर्जी का और अब ये माना जा रहा है कि 14 तारीख को ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी। ये वो तस्वीर है जो बंगाल के विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकती है। 14 तारीख को AC व्हीलचेयर पर बैठकर मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी। सवाल ये है कि व्हीलचेयर और छोटी सी कार क्या यहीं से खेला हो बे? 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम की है। यहां से ममता बनर्जी लड़ रही हैं। आज BJP से शुभेंदु अधिकारी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। पिछले 48 घंटों से हमारे रिपोर्टर्स नंदीग्राम में जमे हुए हैं, नेताओं की रैलियों में कहे एक एक शब्द का मतलब समझ रहे हैं और फिर वोटर के बीच भी घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा 3 फैक्टर चल रहे हैं, धर्म, जाति और नेता का नाम। कौन जीतेगा नंदीग्राम, इस रिपोर्ट से आपको कुछ इशारा जरूर मिलेगा। भगवान भरोसे है नंदीग्राम का चुनाव, खद्दरधारी भक्तों में होड़ लगी है, ईद के वास्ते नेता निकले हैं मंदिर मंदिर के रास्ते। नॉमिनेशन से पहले दीदी ने 19 मंदिरों के चक्कर लगाए थे, दादा हर मोर्चे पर दीदी को टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने भी बराबर की टक्कर दी। करीब 20 मंदिरों पर उन्होंने भी जाकर मत्था टेका, जाकर नॉमिनेशन दाखिल किया। दादा कह रहे हैं निश्चिंत रहिए, दीदी हारने वाली है। फिर आगे कम्युनिस्ट के संग कांग्रेस से लड़ाई हो तो, এর আগে কমিউনিস্টের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই হতো, এইবার লড়াই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি একদিকে, বাকি সব এক হয়ে গেছে। নন্দীগ্রামে CPM এর প্রার্থী ঠিক করে দিয়েছে কে? তৃণমূল। দেখছেন আপনারা সব এক হয়ে গেছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে এবারে BJP সরকার আনতে হবে। মাননীয় নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, খারাপ চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিন্তে থাকেন। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन पिछले 36 घंटे में तस्वीर बदल चुकी है। जख्मी दीदी घायल शेरनी की तरह हो गई हैं और ऐलान भी कर दिया है कि रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, और जब पैर में प्लास्टर लगा होगा और व्हील चेयर से वो मंच पर आएंगी तो जनता के बीच बोलेंगी तो उसका मतलब क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इन सबसे अलग शुभेंदु ने कह दिया है कि कोई चुनौती नहीं है। कुछ चुनौती नहीं है, डबल इंजन सरकार बनने वाली है, मोदी जी का सरकार, दोनों हाथ में दोनों लाड्डू, कलकत्ता दिल्ली, उधर मोदी जी इधर भाजपा का सरकार। ये सच है दीदी बहुत बड़ी फाइटर हैं, लेकिन ये भी सच है कि दादा भी भूमि पुत्र हैं, नंदीग्राम के नब्ज जानते और समझते हैं। दादा को क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग सेट है जिसमें BJP के बड़े बड़े दिग्गजों का दिमाग है। आज सुबह जब वो नॉमिनेशन के लिए निकले तो पहले वो सोनाचूरा मंदिर पहुंचे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। शुभेंदु अधिकारी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उससे पहले वो मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी सोनाचूरा के इस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इस नामांकन दाखिल करने के लिए उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे और फिलहाल शुभेंदु अधिकारी यहाँ विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सिर्फ एक ये सोनाचूरा का ही मंदिर नहीं है, एक से दो मंदिर और जाने का प्लान है। दीदी हो या दादा, मंदिर मंदिर यूं ही नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे है नंदीग्राम के सियासी समीकरण की सुई। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 30% आबादी मुस्लिमों की है। मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक साबित होते आए हैं। 2006 में पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले दोनों ही प्रत्याशी मुसलमान थे। 2011 में भी यहां मुस्लिम उम्मीदवार को ही जीत मिली थी, जीत हार का अंतर 26% था। वहीं 2016 में यहां शुभेंदु जीते थे, लेकिन अंतर महज 7% था। सारी कोशिशें बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपनी ओर खींचने की है और मंदिर मंदिर जाकर यही संदेश देने की कोशिश है कि हिंदुओं के साथ हम हैं।
यानी बंगाल का चुनाव अब की बार जय श्री राम पर है। जिसका नारा ज्यादा गूंजेगा वो नंदीग्राम जीतेगा। वो खुद को जमीन का नेता बताते हैं और वो उन चीजों को टच कर रहे हैं जो डायरेक्ट नंदीग्राम की आत्मा से जुड़ी है। सोनाचूरा मंदिर से निकलने के बाद उसकी तस्वीर उन्होंने सभी को दिखाई। वो यहाँ से शहीद बेदी पहुंचे। नंदीग्राम आंदोलन में मारे गए शहीदों का स्मारक है। नंदीग्राम आंदोलन के नायक रहे सुवेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करने वाले हैं और आज यहाँ शहीद बेदी पर पहुंचे हैं, जहाँ यहाँ नंदीग्राम आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है और उनके परिवार के लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहले उनसे मुलाकात की है, भगवान के बाद यहाँ के जो शहीद है उनको याद किया है और फिर नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो ये नंदीग्राम में नंदीग्राम के नायक रहे सुवेंदु अधिकारी जो बताना चाह रहे हैं कि वो यहाँ जो शहीद हुए उनके साथ है। 41 शहीद हुआ इधर, 41 इसका फैमिली मेंबर भी आया, आज 15-20 आया। शहीद को शरण करते भगवान की बराबर है, भगवान के बराबर सब लोग भगवान है। तो वो शहीद हुए तो सत्ता पलटी थी, अब ये आपके परिवार आपके साथ है, तो आपको लग रहा है ममता बनर्जी को आप लोग का साथ बहुत दिन का रिश्ता है। ममता बनर्जी लोग के याद करता है 5 साल अंतर अंतर जब चुनाव आता है। स्वस्थ ममता को हरा देंगे, जरूर ये लोग क्या हराएगा। और मैं भी नंदीग्राम का वोटर के नाते नॉमिनेशन कर रहा हूँ, मैं नंदीग्राम का वोटर के नाते ही नॉमिनेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम नंदीग्राम के मैं उठा लिया। हाँ, नंदनायक वार्ड बूथ में अभी नंदीग्राम वोटर हिसाब भी मोड़ नंदीग्राम के वोटर बन गए हैं। कह रहे कि मैं नंदीग्राम में वोटर के तौर पर रजिस्टर कर चुका हूँ, ममता बनर्जी को मैं चुनौती दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि ममता बनर्जी को मैं नहीं नंदीग्राम के लोग हराएंगे। यहाँ 40 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में शहीद स्मारक है और मंदिर दर्शन करने के बाद सुवेंदु अधिकारी यहाँ शहीदों के परिवार से मिलने आए हैं और कह रहे हैं कि शहीदों के परिवार ही ममता बनर्जी को हराएंगे। यही USP है शुभेंदु की, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से वो जानकीनाथ मंदिर पहुंचे। ये सभी वो मंदिर हैं जहाँ दीदी पहले जा चुकी हैं। यहाँ पर हवन किया और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने एक संकल्प भी लिया। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जानकी मंदिर में मौजूद हैं। ये मंदिर खुद यही नंदीग्राम में है और यहाँ उनकी पूजा चल रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मंत्रोच्चार के बीच भगवान की स्तुति कर रहे हैं और नंदीग्राम में अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ उनके समर्थकों ने एक विशाल यज्ञ का इंतजाम किया है और मंत्रोच्चार के बीच बाहर यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो अंदर अगर आप देखेंगे तो सुवेंदु अधिकारी अभी पूजा करके निकले हैं और यहाँ वो पूजा करने के बाद जो समर्थकों ने यहाँ पर हवन की तैयारी की है उसमें भी जाएंगे। यहाँ उनके जीत के लिए हवन किया जा रहा है और अब हवन कुंड की तरफ बढ़ते हुए सुवेंदु अधिकारी क्या संकल्प लिया हवन के दौरान, क्या संकल्प लिया है? मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। ओके, तो यहाँ संकल्प के बारे में जब सवाल पूछा तो मोदी जी के नेतृत्व में BJP सरकार का संकल्प लिया है इस जानकी मंदिर में। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी जीत को लेकर कोई संकल्प नहीं किया, उनका कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वो BJP की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रतीकों को समझिए, संदेश बड़ा दे रहे हैं शुभेंदु। ये मंदिर राम जानकी मंदिर है और श्री राम का नारा इस बार बड़ा मुद्दा है। कि उसका नहीं, जय श्री राम। तो ये प्रतिदिन बोली जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राज्य। 10 मार्च को नामांकन से पहले दीदी ने अपनी ताकत दिखाई थी, आज भी हल्दिया में लगभग वही मंजर नजर आया। इस बार शक्ति प्रदर्शन शुभेंदु अधिकारी ने किया, साथ में पूरी टीम BJP थी। BJP के बड़े सूरमाओं ने मंच संभाला। जो तस्वीर दिखी उससे ये तो साफ है कि नंदीग्राम में महासंग्राम है। Yeah.
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।